उत्तराखंड में कौन है वो बीजेपी का नेता जो सीएम बन जाते अगर कांग्रेस नेता करण माहरा नहीं बनते उनके सामने दीवार। बीजेपी के उस नेता पर जीत ने करण माहरा की राजनीति को दी ऊंचाई। एक बार करण माहरा फिर उत्तराखंड बीजेपी के उस कद्दावर नेता को चुनौती देने के लिए तैयार। माहरा की ललकार बीजेपी के उस नेता की राजनीति पर फिर से प्रहार के लिए तैयार। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा बीजेपी के एक नेता को फिर से चुनौती देने का मन बना रहे हैं। उस नेता को फिर से मात देकर अपनी राजनीति को और ऊंचाइयां देने का प्लान बना रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में करण माहरा कांग्रेस के बड़े से बड़े दिग्गजों पर इसलिए हावी है, इसलिए हरीश रावत, प्रीतम सिंह रावत, किशोर उपाध्याय जैसे धाकड़ कांग्रेसी नेताओं से भी ऊपर उनकी राजनीति चमक रही है। इसलिए कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी के खास हो गए हैं। इसलिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को उनकी राजनीति भाने लगी है, क्योंकि उनकी कामयाबी में बीजेपी के उस नेता का अहम रोल है, ऐसा माना जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा फिर से उत्तराखंड बीजेपी के उस कद्दावर नेता से भिड़ने की फिराक में है। फिर दो दो हाथ करना चाहते हैं, फिर उन्हें चुनौती देना चाहते हैं। तो ऐसे में सवाल है, बीजेपी का वो कद्दावर नेता कौन है जिसे मात देकर अपनी राजनीति को करण माहरा उत्तराखंड में सर्वोच्च के शिखर पर ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी के उस नेता को अपने निशाने पर लेने की शुरुआत कर भी दी है। वो बार बार उनके नाम का जिक्र कर उन्हें निशाने पर ले रहे हैं, बार बार जनता के बीच जाकर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी के उस कद्दावर नेता ने जनता के लिए कुछ नहीं किया, जनता के मत का व्यापक सम्मान नहीं किया। करण माहरा की जुबान पर बीजेपी के जिस कद्दावर नेता का जिक्र अब तक सालों से छाया हुआ है वो कोई और नहीं, नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट है। माना जा रहा है अजय भट्ट से एक बार फिर मुकाबला करने के लिए करण माहरा बेकरार है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है करण माहरा को कांग्रेस आलाकमान से ये संदेश मिल चुका है, नैनीताल लोकसभा सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो उनके सामने बीजेपी की ओर से अजय भट्ट होंगे, जिनके बढ़ते कद को करण माहरा ने बीच में ही रोक दिया था। अगर करण माहरा नहीं होते तो अजय भट्ट सिर्फ सांसद होते ही नहीं, वो उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी का चेहरा बन जाते। ये करण माहरा ही थे जिनकी वजह से अजय भट्ट की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बहुत बड़ा झटका लगा था। अजय भट्ट का सपना शीशे की तरह चकनाचूर हो गया था। उत्तराखंड की राजनीति में अजय भट्ट एक बड़ा नाम है। राजनीति में आने से पहले वो वकील के रूप में प्रैक्टिस करते थे। तर्क करने की इस क्षमता का राजनीति में उन्हें बेशक फायदा मिला, लेकिन उनका परिवार वकालत से आज भी जुड़ा हुआ है। 1996 में अजय भट्ट पूरी तरह से राजनीति में आ गए। 1996 में अविभाजित यूपी में पहली बार रानीखेत से भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए। राज्य गठन के बाद 2002 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में और फिर 2012 में भी वो विधायक बने। 2017 में अजय भट्ट विधानसभा का चुनाव रानीखेत से हार गए। उस समय तमाम विरोध के बावजूद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अजय भट्ट को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों बनाए रखा था। माना जाता है कि अगर वो ये चुनाव जीत जाते तो उनका मुख्यमंत्री बनना तय था। अजय भट्ट को चुनाव हराने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद करण माहरा थे, जिन्होंने अजय भट्ट को मात देकर उनकी राजनीतिक ख्वाहिश को तहस नहस कर दिया। अजय भट्ट की सियासी जिंदगी चुनाव हारने के बाद पूरी तरह से बदल गई। ऐसा नहीं है कि करण माहरा ने अजय भट्ट को पहली बार हराया था। विधानसभा चुनाव 2007 में भी करण माहरा ने अजय भट्ट को हराया था। अजय भट्ट सिर्फ 205 वोट से करण माहरा से चुनाव हार गए थे। अब करण माहरा एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं, एक बार फिर से अजय भट्ट की राजनीति को झटका देने के लिए बेकरार हैं। नैनीताल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अजय भट्ट की जीत के सामने दीवार खड़ी करने के इरादे से आए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को बीजेपी सांसद अजय भट्ट के सामने उतारेगी। अब देखने वाली बात है, क्या इस बार भी विधानसभा चुनाव की तरह करण माहरा बीजेपी के अजय भट्ट की राजनीति के लिए मुश्किलें खड़ी कर पाते हैं या नहीं।